इस चैप्टर में आज मैं बताऊंगा डोर क्रिएट करना, डोर कैसे क्रिएट किया जाता है स्केचअप में। वैसे तो डोर को हम 3D वेयरहाउस से लोड करते हैं, लेकिन आज हम इस मॉडल में डोर को क्रिएट करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डोर को क्रिएट करना। चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने एक इस मॉडल को यहाँ तक क्रिएट किया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज इसमें हम लोग डोर क्रिएट करेंगे इस मॉडल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल टूल का यूज़ करके हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके हम इसे ग्रुप बना लेंगे। मूव टूल का यूज़ करके हम इसे बाहर की तरफ मूव कर लेते हैं। अब इस ग्रुप को हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, एक्टिव हो गया। ऑफसेट टूल का यूज़ करके हम इसके फ्रेम को क्रिएट करेंगे। फ्रेम के थिकनेस हम 3 इंच इंटर करेंगे। लाइन टूल से हम इस लाइन को यहाँ मिला लेंगे और एक्स्ट्रा लाइन को अरेंज कर लेंगे। ये हमारा फ्रेम बनकर रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम एक फ्रेम और क्रिएट करेंगे। रेक्टेंगल टूल का यूज़ करते हुए हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। डबल क्लिक करके हम ग्रुप बना लेंगे इसका, और मूव टूल का यूज़ करते हुए हम इसे बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे। मूव टूल प्लस कंट्रोल का यूज़ करके हम इसका एक कॉपी और बना लेंगे। अब ये हमारा फर्स्ट फ्रेम, ये सेकेंड और ये थर्ड। सबसे पहले हम इसको एक्टिव करेंगे। ऑफसेट का यूज़ करके इस फ्रेम को क्रिएट करेंगे कि थिकनेस हम 1 इंच इंटर करते हैं। लाइन टूल से हम इस लाइन को यहाँ मिला लेते हैं नीचे, और एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर लेते हैं। इस फ्रेम को हम बिट फ्रेम भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसे बिट की शक्ल देने वाले हैं। लाइन टूल से हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1 इंच। 2 पॉइंट आर्क से हम यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। अब हम इसके अंदर की लाइनों को सेलेक्ट करेंगे। ये अंदर की जो 3 लाइन है, फॉलो मी टूल पर क्लिक करके हम इसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और ये हमारा फ्रेम बनकर रेडी हो गया। अब हम थर्ड फ्रेम को एक्टिव करेंगे। थर्ड फ्रेम को एक्टिव करने के लिए डबल क्लिक करेंगे। पुश पुल कमांड का यूज़ करके इसकी थिकनेस को हम 2 इंच इंटर कर देते हैं। अब ये हमारा बन करके रेडी हो गया। अब हम सेकंड फ्रेम को सेलेक्ट करके मूव टूल का यूज़ करके हम इसे थर्ड फ्रेम के ऊपर इंसर्ट करेंगे और पूरे को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके मूव टूल का यूज़ करते हुए हम इसे फर्स्ट फ्रेम में इंसर्ट करेंगे। हम इसको फर्स्ट फ्रेम में इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इस कॉर्नर से मूव करके हम इस कॉर्नर पे यहाँ पे रख देंगे। फर्स्ट फ्रेम को एक्टिव करके हम यहाँ पे पुश पुल कमांड का यूज़ करके हम इसके थिकनेस को इसके बराबर कर लेते हैं। ये हमारा फ्रेम बन करके रेडी है। फ्रेम के साथ साथ हमारा ये डोर भी बन गया। हमारा डोर कुछ इस तरह से, अब देखिए ये हमारा डोर बन करके रेडी हो गया है। अभी इसमें हैंडल लगाना बाकी है। हैंडल को हम 3D वेयरहाउस से डाउनलोड कर सकते हैं। हम वहाँ से डाउनलोड करके इसमें लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले से रखे हुए हैं, तो इस हैंडल को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हैंडल हम यहाँ से मूव कर लेते हैं। मूव टूल से इस हैंडल को हम 90 डिग्री पर रोटेट कर लेते हैं। रोटेट टूल का यूज़ करके ये रोटेट हो चुका है। अब हम मूव टूल से इसे इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। इस तरह ये हमारा हैंडल इंस्टॉल हो गया है। इसमें अभी मटेरियल फिल करना बाकी है, तो हम इसमें मटेरियल को फिल कर लेते हैं। मटेरियल को फिल करने के लिए हम इसके वुड मटेरियल्स हम इसमें फिल करेंगे। तो पेंट बकेट पर क्लिक करके हम
और मटेरियल्स फिल कर लेते हैं। ये हमारा डोर रेडी है। अब हम इसका ग्रुप बना लेते हैं। ये ग्रुप बन गया। अब हम इसे अगर ओपन करना चाहें तो ये हमारा डोर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और रोटेट से हम इसे ये हमारा डोर ओपन हो गया है। लेकिन अभी हम यहाँ पे ओपन नहीं करेंगे, हम इस डोर को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। और दूसरा तरीका डोर बनाने का, जो डोर क्रिएट करने का होता है, वो हम यहाँ पे रेक्टेंगल टूल से हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे और ऑफसेट से हम यहाँ पे फ्रेम बना लेंगे 3 इंच इंटर करके। ये हमारा फ्रेम बन गया है। लाइन टूल से हम इस लाइन को यहाँ पे मिला देते हैं। एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर लेते हैं और पुश पुल का यूज़ करते हुए हम इसे यहाँ पे मिला दिए और हम इसे डबल क्लिक करके एक ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप बन गया। रेक्टेंगल टूल का यूज़ करके हम इसमें एक रेक्टेंगल और बना लेंगे। ये हमारा रेक्टेंगल बन गया है। इस सेंटर पॉइंट को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम इसको ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बन गया है। डबल क्लिक करेंगे, एक्टिव हो गया। पुश पुल टूल का यूज़ करते हुए हम इसे यहाँ मिला लिए हैं। अब हम इसमें मटेरियल फिल कर लेते हैं। ये हमारा डोर बंद करके रेडी हो गया। अब हम इसको अगर ओपन करना चाहें तो इसे ओपन भी कर लेते हैं। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और रोटेट टूल से हम इसे अंदर की तरफ रोटेट कर लेंगे। ये हमारा डोर ओपन हो गया। अंदर के साइड में भी हम फिल कर लेते हैं इसको। इस तरह ये हमारा डोर कंप्लीट हुआ। डोर को हमने दो तरीके से यहाँ पे क्रिएट करके बता दिया है। अब जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डोर को हम अगले वीडियो में इंस्टॉल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए